नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की झलक। झारखंड के किसानों के लिए एक बार फिर से नई योजना का आगाज हो चुका है। आज के इस वीडियो में झारखंड किसानों के लिए जो नया योजना आया है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं फटाफट शुरू। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। यहाँ पर दोस्तों ये जो योजना का आगाज हुआ ये सीएससी की तरफ से बड़ी अपडेट निकल करके आया है। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, देखिए विशेष सूचना BPMFBY नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए पीर वीएलिज अत्यंत हर्ष के साथ आप सभी वीएलिज को सूचित किया जाता है कि झारखंड राज्य में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगाज हो चुका है। शॉर्ट में नाम है BPMFBY और इसका फुल फॉर्म है बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आगाज हो चुका है। उसके बाद देखिए आगे देखने को मिल जाएगा तथा आप सभी के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सेवा लाइव हो चुकी है और झारखंड के जितने भी सीएससी वैली हैं सभी के पोर्टल पर ये योजना लाइव हो चुका है। आप सभी वीएलिस से आग्रह है कि अपने जिले के जिला प्रबंधक डीएम तथा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से तत्काल संपर्क कर सभी किसानों का पंजीकरण BPFBY में सुनिश्चित करें। कृपया ध्यान दें, योजना में पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित है, अतः निर्धारित समय पूर्वक सभी किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। यहाँ पर दोस्तों इस योजना का जो अंतिम तिथि है पंजीकरण करने का 31 अगस्त 2024 निर्धारित किया गया है। तो इसके अंदर दोस्तों सभी किसानों का आपको BPMFBY में आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पर देखिए कॉमर्शियल नीचे देखने को मिल जाएगा, डिजिटल सेवा के माध्यम से प्रति पंजीकरण पर आपको कुल 28 रुपया कमीशन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जितने भी सीएससी वाले हैं यदि आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको 28 रुपया कमीशन मिलने वाला है। नीचे आपको देखिए चेतावनी दिया हुआ है, तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए चेतावनी में आपको बताया गया आप सभी वीएलिज को केवल डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही PMFBY में पंजीकरण करने पर RS 28 कमीशन प्राप्त होगा। किसी भी अन्य माध्यम से पंजीकरण ना करें, ना ही अपनी डिटेल्स किसी लिंक पर साझा करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चेतावनी दिया गया है सीएससी वैली को डिजिटल सेवा पोर्टल को लेकर के। तो यहाँ पर दोस्तों ये था झारखंड के किसानों के लिए और सीएससी वैली के लिए योजना के बारे में। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, साथ ही हेल्पफुल भी लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना और कुछ नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।